अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एज़ यू नो, मिड टर्म पेपर्स ऑफ स्प्रिंग 2024 हो रहे हैं। स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड की जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक्स उनके पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज जो पेपर्स हैं, आई थिंक टू पेपर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे, एज़ इट इज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। MTA 202 के साथ साथ आपको MCQs की प्रिपरेशन के लिए गाइडलाइंस भी बता देती हूँ कि आप लेटेस्ट क्विजेज करें। लेटेस्ट क्विजेज यानी सपोज करें क्विज़ वन एंड क्विज़ टू आपके मिड टर्म तक हो चुका है या क्विज़ वन हो चुका है, तो आप लोगों ने वो करना है। अपना भी अटेम्प्ट किया होगा क्विज़, उसके साथ साथ डिफरेंट वेबसाइट्स पर या यूट्यूब चैनल्स पर भी ये लेटेस्ट क्विजेज अवेलेबल होते हैं, वो देख लें। और लास्ट टू ईयर्स यानी स्प्रिंग एंड फॉल 22-23 के भी क्विजेज देख लें। अब ये लेटेस्ट क्विजेज हो जाते हैं, आप पास्ट पेपर्स भी देख सकते हैं, बट कम्प्लीटली डिपेंड ना किया करें, क्योंकि मोस्टली जो पास्ट पेपर्स हैं वो 10-15 ईयर्स, 12 ईयर्स या 8-10 ईयर्स ओल्ड हैं, तो आपका जो डेटा है, कंटेंट वगैरह है, वो नोट्स का, जो हैंडआउट्स का है, वो अपडेट होता रहता है और आप लोगों को पता भी नहीं होता। नो, लेट्स सी। MCQs मेनली कॉन्सेप्चुअल थे, 40% फ्रॉम फंक्शन सच एज ऑन टू, वन टू वन एंड कॉन्स्टेंट। टू MCQs फ्रॉम लॉज ऑफ लॉजिक, वन फ्रॉम प्रोपोजिशन, वन फ्रॉम लॉजिक गेट्स। ये गेट्स वगैरह वाले जो लॉजिक्स वाले हैं, ये आपको प्रूफ आ सकते हैं, एंड गेट आउटपुट। अच्छा, ये MTH 202 के लेक्चर्स मेरे चैनल पर भी अवेलेबल हैं, अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो तो आप समझ सकते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में था, यानी आपको वैल्यूज़ दी होंगी या फाइंड वगैरह करने के लिए, चेकिंग रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी ऑन रिलेशंस, फाइंड ट्रूथ वैल्यूज, लॉजिकल इक्वालेंस, हैंडआउट्स, लेक्चर 21 में रिकर्जन वन की फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन के बारे में था, नेक्स्ट किसी ने किया है ऑब्जेक्टिव, किंजा बिलाल की प्रिपरेशन वीडियो से आई हुई थी। अच्छा, क्वेश्चन शॉर्ट्स में अरिथमेटिक सीक्वेंस आया था और सर्किट ड्रॉ करना था, उसकी आउटपुट लिखनी थी और सिमेट्रिक के अबाउट एक शॉर्ट क्वेश्चन था। ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। वन सेट बिल्डर वाला आया था, सेट दिए हुए थे, इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना था। टू प्रूव वाले थे, आर और आर माइनस वन, इस टाइप का कोई है, रिलेशंस वाला शायद है, के और थ्री वाला याद नहीं क्योंकि वो अटेम्प्ट नहीं किया था। अच्छा जी, ये पेपर्स हैं, ये सेट नंबर वन है, और भी पेपर्स आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।